हेलो दोस्तों, मैं क्लास 4 का यूनिट 4 यानी डिवीजन चैप्टर का वर्कशीट 3 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ए नंबर में डिवाइड करना है दोस्तों 11 से कितना को, 7982। दोस्तों सिंगल संख्या लेंगे तो नहीं चलेगा, डबल लेना पड़ेगा। तो 11 7 जा 77, यहाँ हो जाएगा कितना 2, ये कट जाएगा, फिर उतारेंगे 8। 11 2 जा 22, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा कट जाएगा दोस्तों, यहाँ 2 उतारेंगे। उसके बाद 11 5 जा 55, क्योंकि 66 ज़्यादा लाएंगे, 66 बढ़ जाएगा 55। दोस्तों यहाँ केरी लेंगे तो 12 में 5 बढ़ाएंगे तो 7, क्योंकि यहाँ केरी दिए थे, 5 में 5 कट गया। तो क्वेश्चन कितना हो गया 725, और रिमाइंडर कितना हो गया 7। पहला बता दिए दोस्तों, बी नंबर है 12 से डिवाइड करना है 6 2 8 7। दोस्तों अगर आपको 12 1 जाए 11 1 जाए याद नहीं, तो आप मल्टीप्लाई करके पहले रख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों सिंगल संख्या लेंगे तो नहीं चलेगा, तो डबल लेना पड़ेगा। तो 12 5 जा 60, यहाँ होता होगा 2, यहाँ उसके बाद उतारेंगे 8। 12 2 जा 24, यहाँ होगा 4, यहाँ कट जाएगा। उसके बाद 7, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों कितना 12 4 जा, तो बढ़ जाएगा 48, लेकिन 12 3 जा 36, यहाँ होगा 1, यहाँ 1, तो हो जाएगा हम लोग दोस्तों क्वेशेंट 523, और रिमाइंडर हो जाएगा 11। सी नंबर 25 से डिवाइड करना है 6258। दोस्तों 25 2 जा 50, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा 1, यहाँ होता है 5। 25 5 जा 125, ये पूरे कट गया। अब 8 उतारे दोस्तों, चला ही नहीं तो 0 बार में चला, इसका मतलब क्वेश्चन कितना आ गया 250, रिमाइंडर आ गया 8। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों नहीं चलता है तो 0 बार में चलता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है डी नंबर में 37 को डिवाइड करना है कितना से, 9826। तो दोस्तों पहले 96 लेंगे, है ना, 96 लेंगे तो कितना बार में चलेगा दोस्तों, 3 बार में तो बढ़ जाएगा, तो 2 बार में चेक करते हैं। 7 2 जा 14 का 4 कैरी, 1 3 2 जा 6 1 7, चल गया। 8 में 4 घटाएंगे तो 4, या 9 में 2 तो 2। दोस्तों इससे अगर बड़ा आता है ना, तो यहाँ एक बढ़ाते और, इससे छोटा आया सही है। अगर सपोज डेट इससे अगर बड़ा आ जाएगा यहाँ घटाने से, तो इसका मतलब यहाँ 2 से नहीं 3 से चलता। अब उतारते हैं 2, है ना। तो फिर कोई संख्या से आपको सोचना है, जैसे 6 में 6 5 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, 6 3 जा 18, और 4 था तो 22, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 2, यहाँ होगा। दोस्तों फिर देखिए इससे छोटा आया है, चल गया है, अगर बड़ा आ जाता तो बढ़ा देते हैं, फिर उतारेंगे 6, है ना। तो कितना बार में चलेगा दोस्तों? तो यहाँ देखिए 6 बार में चलेंगे तो इतना आ जाएगा, तो 5 बार में चलेगा, इसका मतलब है ना 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, उसके बाद है 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18। दोस्तों यहाँ 1, यहाँ दोस्तों 0 में नहीं कटेगा, ऐसे कह लेंगे तो हो जाएगा 10 में 2, यहाँ 1, तो 21 आ गया हम लोग का रिमाइंडर। तो क्वेशेंट 265, और रिमाइंडर आ गया 21। नेक्स्ट बता रहा हूँ दोस्तों, डी के बाद ई नंबर 62 से डिवाइड करना है। दोस्तों अगर आपको याद नहीं है सब, तो उसको मल्टीप्लाई करके 61 को 1 से 2 से मल्टीप्लाई करके रख लीजिए, उसके बाद चलाइए। तो दोस्तों सिंगल लेंगे तो नहीं चलेगा, डबल लेंगे ट्रिपल लेंगे तब चलेगा, है ना। डबल भी लेंगे तो नहीं चलने वाला है ना। तो यह हम लोग को कितना बार में चलेगा, 6 3 जा 18, दोस्तों 3 बार में चल सकता है। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, चल गया, यहाँ होगा 2, एक कट एक कट, दोस्तों इससे छोटा आया है, उसके बाद उतारेंगे 9। दोस्तों 9 उतारने के बाद भी नहीं चला, इसका मतलब 0 बार में चला। तो क्वेश्चन 30, रिमाइंडर 29। अगला बता रहा हूँ डी के, ई के बाद एफ, दोस्तों 75 से डिवाइड करना है, 5985, है ना। तो दोस्तों 7 सिंगल लेंगे तो नहीं, डबल लेंगे ट्रिपल लेंगे तब चलेगा, है ना। तो ट्रिपल लेंगे तब चलेगा दोस्तों, लेकिन चलेगा कितना बार में, लगभग 7 7 14, हाँ 7 से चल सकता है, क्योंकि यह इससे पता करते हैं दोस्तों, यहाँ पहला वाला से पता करते हैं। 7 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 7 49 प्लस 3 तो 49,
प्लस थ्री 54। दोस्तों चल सकता है, पहले चेक कर लेते हैं, फाइव एट में थ्री, फाइव घटाएंगे तो थ्री, उसके बाद यहाँ नाइन में सेवन। हाँ दोस्तों चल गया, देखिए इससे छोटा आ गया, इससे बड़ा आता तो यहाँ एट से चला देते हैं, उसके बाद उतारेंगे फाइव, है ना। तो फाइव उतारेंगे तो दोस्तों किससे पर चलेगा, अब इससे और बढ़ाएंगे, नाइन से चलेगा, नाइन फाइव जा 45 को फाइव कैरी, फोर नाइन सेवन जा 63 प्लस फोर, 63 प्लस फोर 63, 64, 65, 66, 67, 67। तो यहाँ होगा जीरो, यहाँ दोस्तों इससे कैरी लेंगे 13 में सेवन घटाएंगे तो सिक्स, यहाँ कट जाएगा। दोस्तों हम लोग का बच गया कितना, रिमाइंडर 60, क्वेशेंट 79 और रिमाइंडर हो गया 60। समझ आया होगा दोस्तों, दोस्तों टू नंबर में डिवाइड एंड चेक योर आंसर। दोस्तों सेम क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ इसमें चेक करना है, टू नंबर बता रहा हूँ कि ए नंबर 12 से डिवाइड करना है 1826। दोस्तों किससे चलेगा, पहले तो वन से चलेगा, 12 वन जा 12, यहाँ हो जाएगा सिक्स, ये कट जाएगा, उसके बाद बता रहे टू, उसके बाद है 12 फाइव जा 60, यहाँ होगा टू कट जाएगा, उसके बाद बता देंगे सिक्स, उसके बाद है 12 टू जा 24, यहाँ होगा टू। तो क्वेश्चन कितना आ गया 152 और रिमाइंडर कितना आ गया टू। अब दोस्तों ये है चेक करने का ले बोल रहा है, तो चेक करने के लिए इसको बोलते हैं डिविडेंड, ये जो है इसको बोलते हैं डिविजर, इसको बोलते हैं क्वेश्चन, ये आता है रिमाइंडर, मतलब डिविडेंड ये जो इक्वल टू करना है ना, तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, क्वेश्चन सॉरी डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब इसको लाने के लिए इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, तो हम लोग यहाँ चेक करके बता, आप नीचे कर लीजिएगा दोस्तों, मैं चलिए यहाँ बता रहा हूँ, नीचे ही बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर 12, क्वेश्चन 152 प्लस रिमाइंडर 2 है। तो अब जैसे भी मल्टीप्लाई करें, अब नॉर्मल भी कर सकते हैं या 12 से करते हैं, या पहले 2 से कर लीजिए फिर 1 से कीजिएगा, मैं 12 से कर देता हूँ दोस्तों, तो और वीडियो लंबा हो जाएगा, आप छोटा बच्चा है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। 12 टू जो 24 का 4 कैरी 2, 12 फाइव जो 60 प्लस 4, तो 64 का 4 कैरी 6, 12 वन जो 12 प्लस 6 तो 18 और प्लस है 2, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 4 का 4 8 का 8 1। दोस्तों देखिए ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है, 1846 दोस्तों नहीं मैच किया, इसका मतलब कहीं मिस हुआ है, मिस हुआ दोस्तों। 12 टू जा 24 का 4 कैरी 2 था, 12 फाइव जा 60 प्लस 2 62 हो गया, 62 का 2 कैरी 6, 12 वन जा 12 प्लस 6 18 सही है। अब तो 4 प्लस 2 6, 2 का 2 उसका 18 18। अब देखिए मैच किया, अगर आपको मिस करिएगा तो मैच नहीं करेगा, नहीं मैच नहीं किया था दोस्तों, मिस किए थे। तो अगला बी नंबर बता रहा हूँ, 4210 कितना बार में चलेगा, दोस्तों सिंगल संख्या लेंगे नहीं डबल संख्या लेंगे, 15 टू जा 30, यहाँ हो जाएगा 2 या 1, उसके बाद उतारेंगे 1, तो 15 एट जा 120 या 1, ये कट जाएगा, उसके बाद उतारेंगे 0, दोस्तों अब चलाएगा नहीं, इसका मतलब 0 बार में चला। तो क्वेश्चन आ गया 280, रिमाइंडर आ गया 10। तो डिविडेंड इक्वल टू डिविजर, डिविजर 15 है इंटू क्वेश्चन 280 है प्लस रिमाइंडर 10, 15 जीरो जा 0, 15 एट जा 120। दोस्तों 120 ऐसे लिखते हैं, 120 का 0 का 0 लिखते हैं, 12 कैरी बच गया, 15 टू जा 30 प्लस 12 तो 42, अब प्लस है 10, 0 प्लस 0 तो 0, 1 प्लस 0 1, 2 का 2 4। देखिए मैच कर रहा, हाँ अभी मैच किया है, तो देखिए पूरे मैच किया, इसका मतलब पूरा सही है। देखिए नेक्स्ट बता रहा हूँ, डी के बाद बी के बाद सी। दोस्तों सारा क्वेश्चन ऐसा ही है, मेन है डिवाइड करना, 7615। दोस्तों यहाँ 27 को किससे चलाएंगे, दो कटेगा, थ्री से अगर लेते हैं तो बढ़ जाएगा दोस्तों, टू से चेक करते हैं, 7 टू जो 14 का 4 कैरी 1, 2 टू जो 4 वन 5, तो यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 7 में 5 2। दोस्तों चल गया, इसे छोटा आया तो ठीक है, 1 उतारेंगे तो अब चलेगा किससे दोस्तों, तो 7 8 8 टू जैसे, हाँ 8 से चल सकता है, 8 7 जा 56 का 6 कैरी 56 का 6 कैरी 5, 8 टू जा 16
प्लस 521, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों इसे केरी लेंगे तो 11 में 5 और यहाँ हो जाएगा 1 में 1, ये कट गया ये भी कट गया, उसके बाद में 5, तो दोस्तों 1 बार में चलेगा, 2 से बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ जाएगा क्या, हाँ नहीं 2 बार में चल जाएगा, 2 7 जब 14 का 4 कैरी 1, 2 2 जब 4 1 5, हाँ चल गया 1 बचेगा दोस्तों। इसका मतलब क्वेश्चन कितना आ गया 282 और रिमाइंडर आ गया 1। तो मैं दोस्तों अब देखते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिविजर 27, क्वेश्चन 282 प्लस रिमाइंडर है ना, तो दोस्तों इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो हम ये वाला ऑटोमेटिक मिलेगा इसमें। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम मेथड से बनेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। दोस्तों अगर आप मेरा सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ सारा वीडियो बना होगा। इसको ऐसे मेथड से बनाते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे।